अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह ऐसे हुआ, जब सुबह उठा मैं 10:30 बजे, तो बेबी की तबीयत ख़राब थी, उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से गए हम बड़े मंगल बाज़ार, जिस तरह संडे लगता है इस तरह का एक बाज़ार लगता है हमारे यहाँ। वहाँ पे जो है बेगम गई थी लेस और एक दुपट्टा लेने, दुपट्टा लिया, लेस लिया, लेस ले लिया लेस वाली दुकान पर, वहाँ पर दुपट्टा छोड़ दिया। अब उसका एक घंटे से वेट कर रहा था। इस दौरान में मैंने क्रिकेट भी खेल ली। अब बाइक जो थी वो कज़न के पास थी, कज़न आ गई, पढ़ाने गया हुआ था, अब वो आ गया, चाबी मिल गई, हम दोबारा जा रहे हैं मार्केट, वो दुपट्टा लेकर वापस आते हैं। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा हो गया कि मैं मार्केट भी गया, जो बाज़ार का मैंने बोला मंगल बाज़ार, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टा मिल गया था। फिर आया तो फिर नमाज का टाइम हो रहा था, टाइम नहीं था कि वीडियो बनाता, मोबाइल में चार्ज भी बहुत कम था, तो मैं चला गया नमाज के लिए। नमाज पढ़कर आया हूँ। अब भाई बोल रहे हैं मार्केट जा रहे हैं, तो कोई काम है, जा रहे अपने करीबी मार्केट चिराग होटल, वहाँ से बच्चों ने मांगे हैं छोले काले वाले और दूसरे ने मांगे हैं सफ़ेद वाले। अब हम बोलेंगे छोले और फिर हम जाएंगे निहारी लेने अम्मी अब्बू के लिए। बंदा आया और एक बंदा आया पीछे से बाइक पे और सच बोल के गया कि भाई मोबाइल अंदर रख लो वरना ये रमज़ान में कहीं कबूल ना हो जाए भाई। और सच बताऊँ इसी डर से बहुत कम वीडियो बना दो फिर जेब में रख लेता हूँ, अब मार्केट में खोल जाऊँगा। वो भाई ये जा रहे हैं जिन्होंने मुझे मशवरा दिया, तो इसका मतलब ये मैं इसको इज्जत के साथ जेब में रखूँ। कर रहे हैं बाइक को ताला, मैं आ गया छोले वाले के पास। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अंकल जी कितने का है ये? हैं 30 रुपये का है ना ये? ये 3 दे दें, आज लेके जाओगे कल खुद आओगे लेने के लिए। इसमें आलू मिक्स है, सिर्फ छोले नहीं है? चले 3 दे दें। सही है, कल खुद आओगे लेने के लिए। 50 का पाव है। हैं ये इनकी आलू की चाट है, ये है छोले की चाट, बड़ी ही प्यारी और मज़ेदार है। तो मैं इनको ढूंढता हुआ इनके पास आ गया। मार्केट में बड़ा रश है, ये तो बहुत ज़बरदस्त रश। हमने ये छोले ले लिए, इसका सब कुछ अलग है, पापड़ी, छोले का पानी, रायता, छोले, तो घर जाके अपने हिसाब से फिक्स कर लें। तो अब्बू ज़्यादा मिर्चें खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने अलग अलग की, इससे लिए। इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इसके छोले बहुत ज़बरदस्त रश देखो आप। अब हम यहाँ से जाएंगे निहारी लेने, लेट हो रहे हैं। ठीक है जी, लोग हम आ गए कराची जाएगी आले में। ये रोटियों पे रश है, ये रोटियों पे जो रश है ना, घर पे गैस ही नहीं आएगी। और यहाँ से हम लेंगे निहारी, यहाँ हमको मिलेगी बीफ अली, चिकन अली और निहारी और अंडा छोला। यार सब सालन इतने ज़बरदस्त है माशाल्लाह इसके खाने के, यानी ये पैसा वसूल वाले। ये कौन सी अली में भैया? ये है बीफ अली, ये है चिकन हलीम, ये है इनका अंडा छोला, ये है निहारी, सब कुछ सामने रखा हुआ है। ये आता है वहाँ और चिखाने से बंद करा दे। और ये इधर चपाती बन गई, इधर इनकी चपाती बन गई। ठीक है जी, इधर तंदूर पे लग रही है रोटी, ये तंदूर की गर्मा गर्म रोटियाँ लग रही है, तो रोज़ा तो यहीं लग जाएगा। तो आप लोग पहले से अफ्तारी कर लें जिसकी मैं वीडियो, हमारी नियारी हो गई, हमारी नियारी ये पार्सल हो गई। और 6:34 हो गए, तो अब हो जाएंगे 15 मिनट बाकी रह जाएंगे। और हम ये रही आज की अफ्तारी, वो है छोले काले छोले, यानी कि वाइट छोले काले छोले, निहारी और ये चीज़ है। ये दस्तरखान लगा हुआ था जब हम आए, तो
तो हम बहुत लेट हो गए थे, अलार्म बज चुका है, अब अजान स्टार्ट होगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली। ये हमारे इमाम साहब हैं जो तरावी पढ़ाते हैं, ये मेरे कज़न के बेटे, और इनके साथ जो पढ़ाते हैं वो मेरे कज़न हैं, और जो हमारे मस्जिद इमाम है वो मेरे कज़न हैं। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ मगरिब की नमाज़ पढ़ने, लोग जा रहे हैं, कुछ पीछे से भी आ रहे हैं। ये स्टाइल देखो आप, ये मेरे ख्याल से तब का स्टाइल है जब लाहौर कलंदर जीता था, है रेहान कुछ ऐसा ही है ना।